सो गाइस, फ्लिपकार्ट के बिग दिवाली सेल्स अब 2-3 ही दिन बचे हैं। ऐसे में आप कंफ्यूज हैं कि कौन से स्मार्टफोन खरीदें, आपके पास बजट उतना नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो देखिए, आपके पास 15,000 का बजट है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। कुछ 5G के स्मार्टफोन ही है और 5 बेस्ट स्मार्टफोन बताएंगे जो कि सारे 5G स्मार्टफोन होंगे। और मैंने 10,000 से रिलेटेड भी वीडियोज बना रखा है, उस वीडियोज को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा ये वीडियो देखने के बाद। फिलहाल आप इस वीडियो में देखिए कौन कौन से स्मार्टफोन को हम बारे में बताते हैं, जिन स्मार्टफोन के बारे में बताने थे सारे स्मार्टफोन बेस्ट है। और लास्ट वाला स्मार्टफोन तो आपको वाकई में पसंद आएगा, इसलिए मैं कहता हूं लास्ट के स्मार्टफोन तक आप जरूर देखिए, क्योंकि वो स्मार्टफोन हमारा और सबका फेवरेट हो सकता है। तो चलिए वीडियो अंत तक देखते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक करी है क्या, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आगे आप लाइक करना भूल जाते हैं। व्यूज तो सारे देते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो मैं भी देखता हूं और आप लोग भी देखते हैं कि मेरे जिस पे व्यूज आ रही है लोग देख भी रहे हैं लेकिन अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और आके मेरे चैनल पर भी देख रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से हमारा आपका सबका हेल्प होता है। चलिए दोस्तों हम बैठ करते हैं। सबसे पहले स्मार्टफोन को जाने के नीचे से ही हम बात करेंगे। सबसे पहला स्मार्टफोन है, हम बात कर रियलमी की तरफ से आने वाला Realme 11X। Realme 11X एक 5G स्मार्टफोन है, काफी अच्छा स्मार्टफोन है, जिस समय से गिवन पर लॉन्च हुआ था। ये स्मार्टफोन की प्राइस अच्छी खासी देखने को मिली थी, 18,000 से 20,000 तक इसकी प्राइस देखने को मिली थी, ठीक ना। अभी तक कह सकते हैं उसमें अब फिर भी कुछ प्राइजेस डाउन करके 17,000 से 16,000-15,000 में ये स्मार्टफोन मिल जाती थी, लेकिन दोस्तों अब इस स्मार्टफोन की प्राइस काफ़ी अच्छी डाउन हो चुकी है, जो कि है 12,499 रुपये में इस स्मार्टफोन को आप पा सकते हैं। वही हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे नंबर के स्मार्टफोन की, हम बात करते हैं यानी कि नीचे से चौथे नंबर का, यानी कि दूसरे नंबर के स्मार्टफोन की लेकर, तो हम बात करते हैं वीवो की तरफ से आने वाला वीवो है, वीवो T2X 5G स्मार्टफोन। दोस्तों ये स्मार्टफोन अभी लेने जाएंगे तो ये स्मार्टफोन की प्राइस देखने को मिलती है 15,000 रुपये, ठीक ना। वैसे अभी जैसे कि ऑफर अगर अपन ना लेंगे तो, यानी कि जब ऑफर अगर नहीं रहता है तो इस स्मार्टफोन की प्राइस होती है 15,000 रुपये। मैंने इस स्मार्टफोन को ऑलरेडी परचेस किया है, ठीक ना, मेरे किसी फैमिली मेम्बर के लिए। तो ये स्मार्टफोन को उसमें जब हम परचेस किए थे ऑफलाइन स्टोर से, हम परचेस किए थे जो कि हमको पड़ा था 15,000 रुपये में स्मार्टफोन, ठीक ना, अराउंड फिगरली 15,000 की पड़ी थी। लेकिन अब स्मार्टफोन की कीमत जो देखने को मिल रही है 10,999 रुपये, 11,000 रुपये में स्मार्टफोन आप इस स्मार्टफोन को ला सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है और वीवो का स्मार्टफोन है, और ये कैमरा वगैरह क्वालिटी अच्छी देखने को मिल जाती है, डुअल अच्छा कैमरा देखने को मिल जाएगा उसमें, अच्छी फीचर्स के साथ देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन है, इस स्मार्टफोन को भी आप देख सकते हैं। वही हम दोस्तों बात कर लेते हैं अगले नंबर के स्मार्टफोन के लेकर, पोको की तरफ से आने वाला Poco X5 5G। दोस्तों आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये स्मार्ट जो वीडियो देख रहे हैं, ये जो वीडियो शूट हो रही है पोको के X5G से ही हो रही है, जो कि इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले, ठीक ना, मीडियाटेक जो सुपर स्नैपड्रैगन का 695 का प्रोसेसर, 5G प्रोसेसर 6nm पर वर्क करता है, काफ़ी अच्छा कैमरा क्वालिटी वगैरह हमको लगता है इसकी। और कह सकते हैं अभी तक जितने मैंने यूज किया है इस स्मार्टफोन को, हम 5 से 6 महीने से यूज कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस दिया इस स्मार्टफोन ने हमें, अभी तक कोई डिफॉल्ट वगैरह देखने को नहीं मिला इस स्मार्टफोन में। चार्जिंग काफ़ी अच्छा फास्ट देखने को मिल जाती है, 33 वाट का फास्ट चार्जिंग इसमें देखने को मिल जाती है, अच्छी खासी सपोर्ट के साथ देखने को मिल जाती है, कार्बन गोरिल्ला ग्लास का इसमें प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है स्मार्टफोन की, ठीक ना। आपको 48 मेगापिक्सल का आपको रियर में कैमरा देखने को मिल जाएगा, एक माइक्रो सेंसर भी देखने को मिल जाता है, और साथ में आपको फ्रंट का भी कैमरा अच्छा देखने को मिल जाते हैं। क्वालिटी अच्छी है इस स्मार्टफोन की, जो कि आप इस स्मार्टफोन को आप परचेस कर सकते हैं। जब हमने इस स्मार्टफोन को परचेस किया था 16,000 में परचेस किया था, 15,000, ठीक ना, 999 रुपये में स्मार्टफोन प्राइस उसमें थी। तो अब इस स्मार्टफोन की अब देखा जाए ऑफर में तो स्मार्टफोन की कीमत हो गई है 12,999 रुपये, ठीक ना। ऑफर बैंक ऑफर लगा देते हैं तो वैसे नहीं लगाते हैं तो इस स्मार्टफोन को फिर भी आप 13,000 रुपये में पा सकते हैं, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट, 3 से 4,000 रुपये अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जा रहा है। बात करते हैं अगले नंबर यानी चौथे नंबर के स्मार्टफोन की लेकर बात कर लेते हैं, यानी सेकेंड लास्ट स्मार्टफोन आ चुका है, जो कि है सैमसंग की तरफ से आने वाला Samsung S F34 5G स्मार्टफोन। इसमें भी हम लोग डिस्प्ले वगैरह देखने को मिल जाएगी, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन काफ़ी अच्छी भी इसमें फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, कैमरा क्वालिटी वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है, सैमसंग के भरोसा देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन में, और डिस्प्ले वगैरह क्वालिटी अच्छी देखने को मिल जाती है। और बात रही स्मार्टफोन की जो अभी प्राइस देखने को मिल रही है ऑफर में 14,999 रुपये,
और दोस्तों हम बात करें, हमारा सबका फेवरेट हो सकता है मोटोरोला की तरफ से, यानी कि कोई ब्लूटूथ वगैरह नहीं, क्लीन एंड्रॉइड वाला स्मार्टफोन जो कि तरफ से आने वाला मोटोरोला की तरफ से आने, मोटो G54 5G की हम ऑलरेडी अलग से और रिव्यू वगैरह हम दे चुके हैं। इस स्मार्टफोन को आपने नहीं देखा है रिव्यू वगैरह तो हमारे चैनल पर वीडियोज पड़ी है, उस वीडियोज को देख लीजिए, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और इस स्मार्टफोन की बात करें तो ये भी स्मार्टफोन काफी अच्छी है, जो कि हाईएस्ट वेरियंट की कीमत है 12GB 256GB इंटरनल स्टोरेज वाली कीमत 14,999 रुपये में स्मार्टफोन कीमत है। वैसे हम देखा जाए तो वर्ल्ड प्राइस की कीमत स्मार्टफोन की कीमत होती है 18,000 रुपये। वैसे लॉन्च किया गया था, एक 5G स्मार्टफोन है जो कि काफ़ी अच्छी स्मार्टफोन है मोटोरोला की तरफ से आने वाला, और G54 5G अच्छा स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन को आप नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, मैं कहूँगा। और मैंने जितनी सारे 5 स्मार्टफोन होता है काफ़ी अच्छा बेस्ट स्मार्टफोन है, आपके पास 11,000 के बजट है तो कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं, ठीक है। 10, 12, 15 हज़ार का, 14 हज़ार का, 13 हज़ार का, हर एक सेगमेंट के बारे में बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। आप जो स्मार्टफोन लेना चाहते हैं पाँचों में कोई भी स्मार्टफोन ले सकते हैं, काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन है। 15,000 रुपये तक का बजट रखे हैं तो, और इससे कम बजट है तो दोस्तों इसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियोज बना रखा है, उस को देख लीजिएगा, उस पर आपको पूरे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा।